अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरे साथ आज एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, ये बिजनेस करता है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ही की जुबानी से सुने ये क्या बिजनेस करते हैं। तो नाम है इनका साइम गुलजार। साइम भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। तो ये बिजनेस का ख्याल कब आया और कितने अरसे से कर रहे हैं? शुरू से ही ख्याल था कि बिजनेस ही करना है, लेकिन स्टार्ट हमने 1 साल पहले से किया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है। तो 1 साल में आपने क्या अर्न किया है? मैं तकरीबन 35 से 40 लाख का बिजनेस किया। 35 से 40 लाख का। तो इस जो आप कंपनी है, इसके ऑनर कौन है? हम तीन पार्टनर हैं, तीनों हम दोस्त हैं। तीनों दोस्त जी। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ है? हमें तकरीबन 40-45% प्रॉफिट हुआ। 40-45%। और आपकी एजुकेशन? अभी मैं पढ़ रहा हूँ और लास्ट सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर है। बिजनेस पहले से स्टार्ट कर दिया? जी बिल्कुल। हमने असल में ये है कि एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है ना, जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, मेरा ये मानना है कि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का। कि जो सबसे पहले जो पहले सेमेस्टर में भी है ना स्टूडेंट्स, वो उस टाइम से स्टार्ट कर दें। हम लोगों के माइंड में ये बिठाया हुआ है कि पहले डिग्री करेंगे उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, लेकिन डिग्री के बाद कोई आपके पास टाइम नहीं होता कुछ अपना करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसके अंदर आप जितने एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, जितने आप तजर्बे कर सकते हैं ना, वो आपको करने चाहिए। और अगर स्टार्ट करना है ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करना है, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर काम करें या किसी के साथ इंटर्नशिप कर लें। नेटवर्किंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, आपकी पीआर होनी चाहिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को जानते होंगे उनको भी पता होगा कि आप क्या काम करते हैं, वो आपको काम देंगे और आप उससे ग्रो करते जाएंगे। और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास अपना एक एस्टेब्लिश बिजनेस होगा, या आप अगर एटलीस्ट इतना कमा रहे होंगे कि आपको घर वालों के ऊपर ना रहना पड़े। समटाइम्स ये भी होता है, हमारे काफी सारे दोस्त भी हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो खुद दे रहे होते हैं। तो इस तरह से आप कमा। अभी आपका फ्यूचर में कोई जॉब करने का इरादा है या आप इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे? मेरा पहली बात तो ये है कि मुझे स्टार्टिंग से बिजनेस करने का शौक था। अच्छा। लेकिन मेरे साथ जो हमारे एक पार्टनर है उनका पहले इरादा था कि वो जॉब करेंगे, लेकिन जब उनके बिजनेस के अंदर आए हैं ना वो, तो अब उनके अपने अल्फाज हैं कि यार अब जॉब करने का दिल नहीं करता, अगर ये कुछ भी करना है ना आगे बिजनेस बढ़ाते जाने, मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं हमें। एक बार अगर कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट कर दे तो उसका जॉब की तरफ दिल नहीं माइल होता, तो बिजनेस ही करूंगा। व्यूअर, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये एक मिसाल है। बच्चा 22 साल बच्चे की एज है और बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये कहां तक जाएंगे ये बच्चे जो ऐसी सोच रखते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनको भी सीखना चाहिए ऐसे बच्चों से जो दुराने पढ़ाई जो है अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया। जब तक ये बड़े होंगे अपने घर वालों का, अपने बड़ों का तो सहारा बनेंगे ही, और साथ ही पाकिस्तान की तरक्की में भी ऐसे बच्चे रोल अदा करेंगे जो अभी से ऐसी सोच रखते हैं। तो सबको सीखना चाहिए, स्टूडेंट्स को जो खासतौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्रियां लेके घूमते रहते हैं दर बदर नौकरियों के लिए, तो ऐसे बच्चों से जो है उन्हें मोटिवेट होना चाहिए। आप अपनी एजुकेशन बताएं, फिर आप बताएं आप बिजनेस क्या करते हैं तफसील से। मेरा नाम मोहम्मद साइम गुलजार है और मैं 22 साल का हूं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूं, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कर रहा हूं मैं। और हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, हम तीन पार्टनर हैं, सॉफ्ट डॉज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, और www.softdoj.com आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वो एक दफा तफसील से बता दें आप क्या क्या काम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हैं। हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मेन हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है। उसके साथ हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करते हैं, आपके जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के वो मैनेज करना भी। तो आपकी कोई खिदमात हासिल करना चाहे इस वीडियो के थ्रू, आप उसको कितना डिस्काउंट देंगे? अगर आपको कोई बंदा आके कहता है मैं वीडियो देख के आया हूँ, आप कितना डिस्काउंट दे देंगे? पहली बात यह कि हमारे कंपनी का नाम है सॉफ्ट डॉज प्राइवेट लिमिटेड, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.softdoj.com। ठीक है, और अगर कोई इस वीडियो के रेफरेंस से आता है तो जितना मिनिमम कॉस्ट हम दे सकते हुए तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तकरीबन जितने भी मिनिमम कॉस्ट हम दे सकते हैं वो हम नहीं, जो बंदा आपके पास आएगा पहले आपसे वो रेट तय कर लेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा मैंने वीडियो देखी है, उसके बाद आप कितने परसेंट उसको डिस्काउंट दे देंगे,
वो तो आपसे पहले तय कर लेगा ना जो काम उसने करवाना है, तो बाद में आपको बताएगा, मैं वीडियो देख के फिर आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। इस पे हम 15-20% डिस्काउंट कर देंगे। चलें जी, 15-20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने कोई वेबसाइट बनवानी है जो ये काम करते हैं डिजाइनिंग वगैरह, तो उसमें आप इनसे तय कर लें, तय करने के बाद मजीद आपको ये 15-20% डिस्काउंट दे देंगे इस वीडियो के रेफरेंस से। चलो, मैंने कोई चीज बनवानी हुई मैं तो फ्री बनवाऊंगा, वो मैं एड में आपको बताऊंगा मैं इनसे फ्री क्यों बनवाऊंगा। हम आप सॉफ्टवेयर की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप या सिंपल कॉल भी कर सकते हैं +92 315 470 2671, ये हमारा नंबर है। भाई अगर मैं आपको बता दूं, ये साइम गुलजार या मेरे कजन है, ये काफी अरसे के बाद जब मिलने के लिए आए थे, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, जब इसने मुझे बताया कंपनी बनाई है तो मैं बड़ा हैरान हुआ। G12 इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, नंबर मैं इनका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे से, आप नंबर अगर तेज इन्होंने बोला अगर किसी को समझ ना आई हो तो नीचे मैं दे दूंगा नंबर। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।